आप देख रहे हैं एसीआई न्यूज। नमस्कार, मैं चीफ एडिटर एंटी करप्शन इंडिया न्यूज से आज उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर में मौजूद हूँ। जैसा कि मैं देख रहा हूँ, आज यहाँ नगर निगम का अभियान चल रहा है और जितने अतिक्रमण है यहाँ तोड़े जा रहे हैं और पूरी प्रशासन साथ में है। और किस तरह अतिक्रमण तोड़े जा रहे हैं मैं रूबरू करा रहा हूँ। कैमरा मैन साहब दिखाइए किस तरह नगर निगम की टीम और साथ में पुलिस प्रशासन साथ में है और किस तरह से तोड़ा जा रहा है और किस तरह से यहाँ दिखा रहे हैं यहाँ पे अतिक्रमण किस तरह से दिखाया जा रहा है यहाँ पे। और मैं आगे और दिखाता हूँ जिस तरह से अतिक्रमण तोड़ा जा रहा है उससे भी रूबरू करा रहा हूँ। और पुलिस प्रशासनिक अधिकारियों से भी पूछता हूँ मैं कि किसके आदेश से ये तोड़ा जा रहा है उससे भी रूबरू कराता हूँ। तो कैमरा मैन साहब ने दिखाए और ये दिखा रहा हूँ मैं एक शराब का ठेका भी यहाँ पे मौजूद है जहाँ पे अक्सर यहाँ पे जाम की समस्या पैदा हो जाती है। और मैं देख रहा हूँ यहाँ पे किस तरह से शराबी अंदर शराब भी पी रहे हैं और किस तरह से यहाँ पे जाम का वातावरण है। आइए कैमरा मैन साहब आगे। और ये यहाँ पे प्रशासनिक अधिकारी भी मौजूद हैं और नगर निगम के कुछ अधिकारी मौजूद हैं, मैं इनसे ही बात करता हूँ। मैडम एक मिनट, क्या नाम आपका? मोनिका। किस पद में आप? कला अधीक्षक। ये अतिक्रमण जो हो रहा है ये किसके आदेश से हो रहा है? आदेश और अस्थायी आदेश सब सभी के लिए होते हैं। ये कहाँ तक अभियान चलेगा, कहाँ तक तोड़ा जाएगा? आगे तक पूरा। जैसा इन्होंने अवगत कराया कि ये अभियान चल रहा है, ये आगे तक यहाँ से पूरा रोड क्लियर कराना है। जैसा कि मैं देख रहा हूँ अब ये सीसामा चौराहे पर भी अभियान आ चुका है। अधिकारी चेतावनी दे रही दुकानदारों को, कह रही आपको जब चेतावनी दी गई थी उसके बावजूद भी आपने अतिक्रमण नहीं हटाया है, उसके लिए प्रशासनिक अधिकारी दुकानदारों चेतावनी देते हुए। और ये दिखा रहा हूँ मैं ये अभियान किसी भी द्वारा अभियान चलाकर दुकान को ध्वस्त किया जा रहा है। दिखा रहा हूँ और ये ध्वस्त कर दिया गया है। जैसा कि देख रहे हैं आप ये किस तरह से नगर की निगम में टीम आ चुकी है और यहाँ पे किस तरह ध्वस्त कर रही है, जेसीबी चल रही है दुकानों पर और फुटपाथ खाली कराया जा रहा है। ये फुटपाथ काफ़ी हद तक यहाँ पे खाली हो चुका है, उसके बावजूद मैं देख रहा हूँ और जो अतिक्रमण बाकी रह गया है उसको भी जेसीबी मशीन द्वारा ध्वस्त किया जा रहा है। वो आपके सामने मैं देख रहा हूँ यहाँ पे दिखाइए कैमरामैन साहब किस तरह से यहाँ पे ध्वस्त हो रहा है दुकान, जिस तरह अतिक्रमण को गिराया जा रहा है। जरा गुप्ता जी आइए, क्या नाम आपका? अजय गुप्ता है। ये गुप्ता जी ये बताइए ये जो आज नगर निगम टीम आई है ये अतिक्रमण गिरा रही है, ये क्या अतिक्रमण है? ये आपका निजी घर है? साजिश के तहत चल रहा है। अच्छा, बस और कोई बात नहीं है, हम किसी को ब्लेम नहीं लगाते हैं। अब ये प्रशासन का काम है अपनी निगाह से देखे। आपका कहना है कि साजिश के तहत हमारी दुकान गिराई जा रही है? हाँ, बस और कोई बात नहीं है। जैसा इन दुकानदारों ने बताया कि साजिश के तहत हमारी दुकान का अतिक्रमण हटाया जा रहा है, जबकि ये अतिक्रमण नहीं है। ये अतिक्रमण नहीं है, अतिक्रमण नहीं, अपने फुटपाथ पे लगाए और आनंदा फुटपाथ लिए है, फुटपाथ के अंदर लगाए हुए हैं, ये नहीं है। हाँ, क्या नाम आपका? विक्की। ये जो अतिक्रमण हो रहा है क्या है? ये प्रशासन की जाति है। ये क्यों अतिक्रमण चलने से पहले भी चल चुका है? नहीं, यहाँ नहीं चला है, आज पहली बार चला। हम लोग अपने दायरे में हैं तो चलने की कोई नौबती नहीं है। पहली बार देगी आप कितना फुटपाथ खा लिया, ये देगी आप। ये सब प्रशासन अपनी मनमानी कर रहा है, एक बेकसूर को अंदर ले गया, जरा से उसने बहस किया प्रशासन से, प्रशासन का मत ये है कि हमसे बहस ना करो, अपने मन की करेंगे। एक बेकसूर को अंदर ले गई थाने में मारपीट के। जो अंदर गए वो आपके भाई हैं? जी, परिवार के हैं भाई। तो ये अतिक्रमण कब से यहाँ पे आपका, इससे पहले कभी नहीं हुआ है? हुआ है, हम लोग अपने दायरे में हैं, केवल चेतावनी आते पर नगर निगम भी जानते कि अपने दायरे में है, फिर भी इन्होंने चला दिया। भाई चेतावनी तो 10 बार मिली है लेकिन आए एको बार नहीं आए, क्योंकि वो भी जानते हैं, देख के लौट गया। जब यहाँ के दुकानदार बता रहे हैं यहाँ पे ये अतिक्रमण जो है मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं अपने हाथ में हूँ, उसके बावजूद भी यहाँ पे अभियान चलाकर प्रशासन अपनी मनमानी कर रहा है और यहाँ पे अतिक्रमण को हमारे ढा दिया गया है। और मैं ये आगे देख रहा हूँ, आगे और भी प्रशासन जा रहा है आगे और अतिक्रमण गिराने के लिए, मैं उससे भी अवगत करवा रहा हूँ। जैसा कि ये नाला रोड पर मैं आ चुका हूँ, मैं देख रहा हूँ यहाँ पे अतिक्रमण हो रहा है, अभियान चल रहा है यहाँ पे नगर निगम का
यहाँ पे जनता भी मौजूद है, मैं जनता से पूछता हूँ ये अभियान में इनको क्या दिक्कतें, क्या परेशानियाँ हुई, और कुछ बताना चाहें तो मुझे मेरे चैनल के माध्यम बता सकते हैं। क्या नाम आपका? नसीबुल हसन। ये जो अभियान चल रहा है इस बारे में आपका क्या कहना है, ये फुटपाथ पे जो अभियान से हटाया जा रहा है इसके लिए क्या? लोग किराया खा रहे थे 30 साल से खा रहे हैं। देखिए सामने निशान बना हुआ है, ये इंगल लगे हुए हैं, और हम यहाँ पे दुकान लगाते हैं फुटपाथ पे, ठेला वाला कोई जी तो इनका ऑब्जेक्शन है। ये आए दिन आपका कहना कि आपकी दुकान जो लगती है इसका पैसा नहीं आया था आपसे, ये आपका क्या, ये मालिक है वहाँ के? हम भी हैं, ये भी मालिक हैं, ये बड़े बाप के लड़के हैं, छोटे बाप का किराया लिया जाता है, ये बताओ। 30 साल से खा रहे किराया ये दुकान। आपकी दुकान किस चीज की लगती है यहाँ पे? मछली की, मछली की, मुर्गे की दुकान लगी। हाँ, क्या बताने जा रहे हो? बकरे की दुकान थी, ये किराए पे उठाए हुए थे, 80,000 पकड़ी, 30,000 रुपए महीना किराया खाते थे ये। हमारी भी छोटी थी, तखा तखा हुआ था, हम लोग मुर्गे का व्यवहार करते हैं आज से नहीं 20 साल से कर रहे हैं, ठीक है हमारी, और ये सन 2006 से हमारी दुकान है और ये किराया खाते हैं। जब आप इनको किराया देते थे तो इनको भी दिक्कत क्या हुई? जो ये किसी और को उठाए हुए थे, हम भी इस मकान के मालिक हैं। अच्छा। ये भी मालिक है, हम भी मालिक है, ये कसाईयों, और आज जो है ये शिकायत करते हैं, जगह जगह एप्लीकेशन देते हैं और हमको जो है परेशान करते हैं, बड़े बड़े अधिकारियों के वहाँ जाते हैं, हमको परेशान। जैसा कि क्षेत्रीय लोगों ने बताया किस तरह से यहाँ पे लोग यहाँ पे फुटपाथ का किराया लेते हैं, किस तरह से यहाँ पे लोगों से अवैध वसूली करते हैं, मैं उनसे जानकारी लेता हूँ। जिनके फुटपाथ पे दुकानें लगती थी, मैं उनसे ही बात करता हूँ, जिन पर लोगों ने आरोप लगा रखा है कि ये पैसा लेके यहाँ पे लोगों को यहाँ पे किराया लेते हैं और कब्जा कराए, दुकानदार दुकानें बनवाते हैं। इनका जो आरोप आपके ऊपर है, क्या कहना है आपका, क्या नाम है? मोहम्मद अमीन। ये आरोप आपके ऊपर है, आप पैसा खाते हैं फुटपाथ का? आप मैंने को किराया लिखा, कब्जा करे हुए हैं दबंगी लोग, मैंने उनके खिलाफ जो है अधिकारियों को रिपोर्ट लगाया है, मैंने उनके खिलाफ अधिकारियों को रिपोर्ट लगाया है, ये आरोप लगाए तो कोर्ट में फैसला होगा कौन मकान मालिक है, कौन किराया। क्या जो आरोप है वो सही है या गलत है ये बताएं। अरे हमारा, मैं कोई किराया नहीं खाता हूँ, मैं बीमार आदमी हूँ, समझे साहब। जैसा कि इनका कहना है कि इन पर आरोप है कि ये किराया नहीं खाते हैं, जिनका पूरा मोहल्ला इस बात को कह रहा है कि यहाँ पे किराया खा के फुटपाथ पे अवैध कब्जा कराते हैं। क्या नाम आपका? अभी तक तो काफी दिन से चल रहा था मामला, किराया खाते थे, फुटपाथ पे जो दुकानें लगी हैं, लोगों को बता रहे हैं किराया इसका किराया लेते हैं मकान मालिक, क्या सही है? ना, बहुत दिन से यहाँ पे दुकान खुली थी, किराया लेते नहीं लेते, किराए के लिए नहीं मालूम, दुकान खुली, टोपी लगाए, दुकान तो खुली थी, टट्टर लगा था, गोश्त बिकता था। जैसा कि लोग यहाँ बताने में संकोच कर रहे हैं और बताना नहीं चाह रहे हैं, मैं यहाँ देख रहा हूँ, यहाँ पे ईमानदारी की बात, जबकि मैं देख रहा हूँ यहाँ पे कुछ लोग यहाँ मौजूद हैं, इनसे मैं बात कर रहा हूँ। क्या नाम आपका? क्या नाम आपका? बताओ, बोलो, बताओ, किराए उठी थी, बताइए, उसमें कोई आपत्ति नहीं है, बताने में आप बताइए। बिल्कुल बिल्कुल, ऐसा इनका आरोप है कि मकान मालिक अपने फुटपाथ पे किराए उठाते हैं सरकारी जमीन को, सही है? वो सब खत्म हो गया समझौता, जो था पहले वो खत्म हो गया, इनका भी ये घर यही है, ऊपर इनका घर है, नीचे दूसरे का घर है, बस ये है, नहीं लगने नहीं दे रहे। कुछ लोगों का यहाँ पे आपसी विवाद है, जो बताना चाह रहे हैं कि जो मकान मालिक अपने फुटपाथ पे किराए उठा रखे थे दुकान, और उन्होंने ही मुखबरी करके यहाँ पे सब आज अभियान चलवा कर दुकानें तोड़वा दी है। अब मैं नाला रोड पे देख रहा हूँ, यहाँ पे हाफिज जी साइकिल रिपेयरिंग वर्क्स है, जिसपे टीन से अतिक्रमण कर रखा था शटर के ऊपर, अब वो भी ध्वस्त कर दिया गया है, और ये जेसीबी टीम जो है यहाँ पे मौजूद है, और यहाँ पे अतिक्रमण को ध्वस्त करके दिखाइए कैमरामैन साहब किस तरह दुकान का अतिक्रमण किया गया है और किस तरह क्यों गिराया गया है जेसीबी मशीन द्वारा। और यहाँ के नगर निगम के अधिकारी साथ हैं और वो देख रहे हैं जहाँ पे अतिक्रमण वहाँ बैठवा रहे हैं, और मैं देख रहा हूँ यहाँ पे ये देखिए जिस तरह लोग विरोध कर रहे हैं किस बात का, किस अवैध तरीके से यहाँ पे गिराया गया है नगर निगम की टीम। और ये मैं इनसे पूछता हूँ, देखिए एक परेशान आदमी जिसकी दुकान यहाँ पे, और इनकी मैं पूछता हूँ ये अतिक्रमण जो आपने कर रखा है, जो अभियान आज चल रहा है, इस बारे में क्या कहना चाह रहे हैं आप? ये भैया तो नाजायज थोड़ा किया है, आप लोग खुद देखें, ये नाजायज है। हाँ बिल्कुल नाजायज साहब, पहली बार अभियान चला है? नहीं, इससे आप पहले आप ज्यादा था हटा दिया गया, अब यहाँ पर अपने जगह पर हमने लगाए, तो आपका कहना है कि जो अभियान चल रहा है नाजायज चलाया, नाजायज तरीके तोड़ दिया गया? हमारा ये तोड़ा गया, आप लोग कैमरामैन साहब दिखाइए जिस तरह की
ये मुल्ला जी साकी रिपेयरिंग वर्क्स है, इनकी दुकान को नाजायज तरीके से तोड़ा गया इनका कहना है और शटर भी गिरा दिया गया इनका। और मैं चलिए चलता हूँ, मैं आगे देखता हूँ किस तरह से और भी लोगों के अतिक्रमण नगर निगम टीम मटा रही है। नगर निगम की टीम यहाँ मौजूद है, थाना बजरिया की टीम मौजूद है, पुलिस द्वारा यहाँ पे किस तरह से अतिक्रमण हटवाया जा रहा है। और मैं देख रहा हूँ थाना बजरिया से लेकर नाला रोड तक अभियान में रोड पूरा साफ कर दिया गया है और बराबर लगातार यहाँ पे जेसीबी मशीन चल रही है और दुकानें तोड़ रही है, वो भी मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पे। और मैं अगली अपडेट में हमने किसी नए प्रकरण से अवगत कराएंगे, तब तक के लिए राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय खबरों से बने रहिए एंटी करप्शन इंडिया न्यूज़ के साथ। मैं चीफ एडिटर अतर हुसैन एंटी करप्शन से, साथ में कैमरामैन आदित्य सविता, नमस्कार, जय हिंद। सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और बने रहें हमारे साथ।